हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, लीवर को कमज़ोर करता है। तो बात करेंगे आज कंप्लीट जॉइंटिस के बारे में और देखेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पीलिया, यानी जॉइंटिस को हिंदी में पीलिया भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीलिया हमको क्यों होता है। तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स एक तय समय सीमा यानी 120 दिन बाद टूट जाते हैं, तो बिलिरुबिन नाम का बाई प्रोडक्ट बनता है। यह पदार्थ लीवर से होता हुआ मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। वहीं अगर शरीर के रेड ब्लड सेल्स 120 दिन पहले टूट जाते हैं तो लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे पीलिया जैसी बीमारी होती है। दोस्तों तो जॉइंटिस के बारे में आपने समझा, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको आपका शरीर पीला पड़ जाता है, उसके साथ आपकी आंखें दोस्तों पीली पड़ जाती हैं और उसका चेहरा दोस्तों पूरा पीला हो जाता है इसके, तो और हाथों पैरों में दोस्तों कमजोरी होती है और हाथ पैर भी दोस्तों पीले हो जाते हैं। और इसमें जॉइंटिस में एक और होता है दोस्तों, ये जो खून की कमी से भी दोस्तों आपको जॉइंटिस होता है। तो ये यहाँ पे देखेगा, ये जो खून की कमी होती है इसको कैसे पहचानेंगे, तो जो हमारा हाथ है तो व्हाइट हो जाता है, शरीर आपका व्हाइट पड़ जाता है एनीमिया की कमी से। और दूसरी जगह देखें जॉइंटिस, जॉइंटिस में दोस्तों हमारा हाथ जो है पीले कलर का हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है जॉइंटिस और एनीमिया में। तो आगे हम बात करते हैं जॉइंटिस क्या होता है, तो जॉइंटिस के बारे में समझेंगे। व्हाट इज जॉइंटिस, क्या है? तो जॉइंटिस इज ए कंडीशन इन विच चेंज द कलर ऑफ स्किन, आई एंड यूरिन। यानी दोस्तों जॉइंटिस में हमारे शरीर का कलर, आँखों का कलर, यूरिन का कलर, ये दोस्तों चेंज हो जाता है। तो समझेंगे दोस्तों, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी त्वचा, आँखों का रंग बदल जाता है और मूत्र जो होता है उसका भी कलर आपका चेंज हो जाता है, जिसे पीलिया कहते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जॉइंटिस इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलिरुबिन। यानी कि दोस्तों पीलिया मुख्य रूप से बिलिरुबिन की बढ़ी हुई स्थिति होती है दोस्तों, और इसे कहते हैं हाइपर बिलिरुबिया। बिलिरुबिन एक पीले कलर का वर्णक होता है, यानी कि दोस्तों बिलिरुबिन येलो कलर पिगमेंट होता है, इसी के कारण दोस्तों हमारा शरीर पीले कलर का हो जाता है जॉइंटिस में। आगे हम बात करते हैं इसके, तो बिलिरुबिन जो होता है हमारे शरीर में, जो हमारी बॉडी में बिलिरुबिन यानी जॉइंटिस हो जाता है, उस स्थिति में हमारे बिलिरुबिन की जो है रेंज क्या होती है, तो उसमें जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें हमारी बिलिरुबिन की होनी जो चाहिए नॉर्मल रेंज में 0.1 से 1.0 mg/dL। mg/dL का फुल फॉर्म होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है दोस्तों। ड्यूरिंग जॉइंटिस हमारा इसकी जो है रेंज बढ़ जाती है, इसमें 2.0 से 3.0 mg/dL हो जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम समझते हैं हमें जॉइंटिस हो गया है, और इसकी कंडीशन में दोस्तों इससे ज़्यादा भी ये दोस्तों इसकी रेंज बढ़ सकती है। तो आप जैसे जाँच कराएंगे उसी में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं एक कॉजेज ऑफ जॉइंटिस के बारे में, हमारे कॉजेज क्या हैं जिसके कारण दोस्तों हमें जॉइंटिस होता है। तो सबसे पहला है मेन कारण दोस्तों हमारा एनीमिया, यानी रक्त की कमी होती है, उससे भी दोस्तों आपको जॉइंटिस होता है। और आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कोई दोस्तों आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी दोस्तों आपको जॉइंटिस होता है। आगे हम बात करते हैं वायरस इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन से दोस्तों आपकी बॉडी दोस्तों प्रभावित होती है, उससे वायरस आपकी बॉडी में दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से आपके बॉडी में जो वायरस प्रवेश कर जाते हैं उससे भी दोस्तों आपके जॉइंटिस होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दोस्तों, इससे भी आपका शरीर प्रभावित होता है, इसके कारण भी दोस्तों आपको जॉइंटिस हो सकता है। ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कि दोस्तों अगर दवा के अत्यधिक सेवन से परिणाम स्वरूप यह दवा टॉक्सिसिटी में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ये दोस्तों विषाक्तता में, दोस्तों ये दवा आप अधिक सेवन करेंगे तो ये दोस्तों विषाक्तता में चेंज हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों विष बन जाता है आपके बॉडी में, इससे भी दोस्तों आपको जॉइंटिस होने का खतरा रहता है। तो आगे हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ जॉइंटिस, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं जो पेशेंट को देख के आप उसको पहचान सकते हैं। तो पहला सिम्टम्स है हमारा येलो स्किन, यानी शरीर का पीला पड़ जाना। और आगे हम बात करें यूरिन, आई और नेल्स, यानी कि पेशाब आपके पेशाब का, आंखों का और नेल्स यानी नाखूनों का कलर जो है पीला हो जाना, इसके वजह से दोस्तों जो है आप पेशेंट को पहचान सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई, ये सिम्टम्स हो गए हमारे। वोमिटिंग और नोजिया, वोमिटिंग एंड नोजिया जैसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा
हो सकता है। और क्या होता है दोस्तों, आगे हमारा एब्डोमिनल पेन यानी पेट में आपके दर्द हो सकता है। हैवी फीवर दोस्तों इसमें आ जाता है जॉन्डिस में, ये दोस्तों इसके सिम्टम्स हैं। और डायरिया भी इसमें आ जाता है, डायरिया भी दोस्तों इसमें होता है, जिससे दस्त आपके लगने लगते हैं। तो ये दोस्तों कुछ जॉन्डिस के सिम्टम्स से, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स लगते हैं तो आपको यानी कि जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं अपने टाइप ऑफ जॉन्डिस यानी कि कितने प्रकार के जॉन्डिस होते हैं। तो दोस्तों इसमें केवल तीन तरीके के जॉन्डिस होते हैं, पहला हमारा प्री हेपेटिक जॉन्डिस, और दूसरा हमारा हेपेटिक जॉन्डिस, और तीसरा हमारा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ये दोस्तों तीन टाइप के जॉन्डिस होते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में, क्या हम ट्रीटमेंट इसमें कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल्स में दोस्तों वीडियो ला देंगे आपको। आगे हम बात करेंगे जो जॉइंटिस में आपको कौन से लैब टेस्ट कराना चाहिए। तो पहला तो दोस्तों हमारा हो गया CBC यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट। इसमें दोस्तों आप जांच कराएंगे तो इसमें आपका ब्लड कितना है, क्या दोस्तों इसमें कमी है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। LFT कराएंगे लीवर, इसमें बिलिरुबिन भी दोस्तों आ जाएगा, तो इतना इसमें पता चलेगा आपका कितना है दोस्तों इसमें जो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। तो इससे आपको आपके जॉइंटिस को डिसाइड करने में यानी कि फिगर आउट करने में पता लगेगा दोस्तों। आगे हम बात करें यूरिन एग्जामिनेशन, इसका भी दोस्तों टेस्ट किया जाता है यूरिन का, उससे भी दोस्तों क्लियर होता है जॉइंटिस। तो आगे हम बात करते हैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में, हम दोस्तों जॉइंटिस में कौन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पहला है हमारा दोस्तों एंटीबायोटिक का बहुत ही रोल होता है हमारी बीमारियों में, तो उसमें हम एमॉक्सिक्लेवन 625 टैबलेट का यूज करेंगे उसको बैक्टीरियल को मारने के लिए दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं जो सबसे अहम है जॉइंटिस को समझ लो जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारा दोस्तों, ये दोस्तों टैबलेट कमली इसी के लिए बनाई गई है जॉइंटिस के लिए। तो इसमें दोस्तों हेपामर्च दोस्तों टैबलेट है और हेपामर्च इंजेक्शन है IV इन्फ्यूज़न, हेपामर्च IV इन्फ्यूज़न यानी IV में इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो डोज दिया जाएगा 2 या 3 दिन में दोस्तों एक इन्फ्यूज़न हेपामर्च का इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, इसका अपने डॉक्टर के हिसाब से इसका इलाज करिएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं टैबलेट के बारे में, टैबलेट दोस्तों हेपामर्च नाम से भी दोस्तों टैबलेट भी आती है जो कॉमनली जॉइंटिस के लिए ही डिज़ाइन की गई है। तो ये दोस्तों हो गई, तो हम बात करते हैं इनका डोज के बारे में। तो दोनों टैबलेट के बारे में अगर बात करें हम, तो इस टैबलेट का यूज आप सुबह शाम कर सकते हैं और खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट का यूज करें। आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर जॉइंटिस के लिए, जो हम यूज करेंगे सिरप, कौन सी सिरप हम यूज करेंगे, Lift-to-DS यानी दोस्तों इसमें हमारा जॉइंटिस में लीवर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, इसमें दोस्तों लीवर के लिए दोस्तों हम Lift-to-DS सिरप का यूज करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस दोस्तों Lift-to-DS जो ब्रांड नाम हिमालय कंपनी के दोस्तों ये सिरप है, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी आपके लीवर के लिए असर करती है। आगे हम बात करेंगे हेपामर्च दोस्तों एक सिरप आती है, ये भी दोस्तों आपके जॉइंटिस में काफ़ी यूज की जाती है। आगे हम बात करते हैं अपने जो ट्रीटमेंट में जो इसमें होता है हमारी बॉडी में दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है जॉइंटिस के दौरान, तो उसमें हम मल्टी विटामिन का यूज करते हैं। तो मल्टी विटामिन और मिनरल कैप्सूल में हमारा एक फेमस कैप्सूल है न्यूरोक्वाइंट गोल्ड कैप्सूल, इस कैप्सूल का यूज आप सुबह और शाम कर सकते हैं, खाना खाने के बाद यूज करेंगे। और वहीं पे दोस्तों हमारा एक दूसरा कैप्सूल है हेल्थ होके, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस कैप्सूल है, इसका भी यूज अपनी बॉडी को सही करने के लिए यानी कि स्वस्थ रहने के लिए यूज किया जाता है, तो ये दोस्तों यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट था। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए।